जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कहानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता बनने के भाग चार में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पहले जो हम बात करें ग्रुप स्टेज की, तो उसमें तीन भाग थे। सबसे पहला भाग साउथ अफ्रीका के सामने, भाग एक जब मैंने बताया एक नई शुरुआत, जब शिखर धवन और रोहित शर्मा की हमें एक बहुत ही सफल जोड़ी मिलने वाली थी। रोहित शर्मा दी ओपनर, शिखर धवन दी ओपनर। भाग टू में हमने बात करी सर रविंद्र जडेजा की फिरकी में कैसे फंसा वेस्ट इंडीज़, तो यहाँ से हमने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया था। और तीसरे भाग में मैंने बताया कि कैसे एक जो डेड रबड़ मैच था इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, वो कैसे इतना फिर भी एक बड़ा मैच बन गया, क्योंकि जब भी बात होती है भारत बनाम पाकिस्तान की, और कैसे लिया भारत ने अपनी पुरानी हारों का बदला, चाहे वो मैं बात करूँ दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में हार का था, या फिर 6 महीने पहले जो एक हम घर में वनडे सीरीज से हार चुके थे। अब अपना ये ग्रुप स्टेज का सफर खत्म हो चुका था और सामने था सेमीफाइनल। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज भाग चार, जिसका नाम है श्रीलंका की ऐसी दुर्दशा शायद ही कभी हुई हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसा मैंने क्यों कहा है तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अपना ये है कि 20 जून को सेमीफाइनल खेला गया था कार्डिफ में, और अच्छी बात ये थी कि कार्डिफ में भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने पहला मैच खेला था, तो वहाँ एक्सपीरियंस था। यहाँ पे भी बारिश का साया था हर मैच की तरह, और एक बार फिर से टॉस का बॉस बने थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। तो लगातार चारों बार महेंद्र सिंह धोनी टॉस का बॉस बने थे, और उन्होंने फिर एक बार गेंदबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन कुछ चीज़ें भारत को भी डरा रही थी। पहली चीज़ ये थी कि इसी जो चैंपियंस ट्रॉफी में थे वो कुछ उलट फिर हुए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार गया, और भी अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ ने भी कुछ टीमों को हराया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें भी सता रही थी कि यार कुछ ऐसा उलट फिर श्रीलंका तो हमारे सामने नहीं कर देगा। हालांकि ये नहीं है कि हम ही फेवरेट्स थे, कहीं ना कहीं अगर मैं एक्सपीरियंस में बात करूँ तो श्रीलंका हमसे काफ़ी आगे था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तिकड़ी थी बैटिंग ट्रियो, हम जब बात करते हैं ट्रियो बैटिंग लेजेंड, जी हाँ तिलक रत्ने दिलशान, महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा, जो पिछले 13-14 साल से श्रीलंका की बैटिंग की हम बात करें रीढ़ की हड्डी थी। इसके सिवा भी जो अच्छी चीज़ ये थी कि 3-4 साल से खेल रहे एंजेलो मैथ्यूज़ और थिसारा परेरा बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर्स थे। साथ ही तीन अब बात करें हम युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी उनके पास, मैं बात करूँ कुशल परेरा एक ओपनर, बीच में लाहिरू थिरुमाने एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन, और फिर जो जीवन मेंडे जो कि बॉलिंग भी कराते थे बैटिंग भी कराते थे और फील्डिंग भी अच्छी करते थे। और बॉलिंग के तो उनके क्या कहने, रंगाना हिराज बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर, और साथ ही साथ दो बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज एक नोवन कुला सेकरा और साथ ही साथ लसित मलिंगा। तो कहना गलत नहीं होगा 2011 की टीम से बहुत मिलती जुलती टीम थी, जबकि हमारी जो टीम थी वो जो बहुत हम बात करें एक्सपीरियंस साइड थी, अब वो बहुत एक यंग साइड बन चुकी थी। तो हर मैच में वही हाल था कि साउथ अफ्रीका की टीम भी हमारे सामने ज़्यादा बात करें एक्सपीरियंस थी, वेस्ट इंडीज़ की भी हमारे सामने ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, और पाकिस्तान की भी और की भी, और कल को इंग्लैंड के सामने भी यही होने वाला था। लेकिन हर किसी को भारत ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, आइए ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों 50 ओवर खेल के श्रीलंका ने मात्र 181 रन बनाए, ये एक बहुत बड़ी बात थी, जिसमें मैं बात करूं उनके सारे बल्लेबाजों ने स्ट्रगल करा। हाँ एंजेलो मैथ्यूज़ के 51 रन आए, महिला जयवर्धने के 38 रन आए, जीवन मेंडिस के 25 रन आए, कुमार संगकारा ने मुझे जितना याद है 17 रन बनाए थे, दिलशान बीच में रिटायर्ड हट हो गए थे वो वापस भी आए लेकिन 18 रन ही बना पाए। इसके सिवा ये है कि कुशल पलेरा 4 और मैं बात करूँ लाहिरू थिरुमाने 7, तो कोई भी बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए। नोवन कुला सेकरा 1, मलिंगा ने लास्ट में 7 रन बनाए, तो कोई भी बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए। और पूरे 50 ओवर खेल के एक बड़ी बात ये लगी कि एक टीम के 8 ही विकेट गिरे, लेकिन तब भी वो 181 रन ही बना पाए। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा साथ मिला कंडीशंस का, बहुत ही अच्छी कप्तानी रही, बहुत ही अच्छी फील्डिंग रही, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही। इसका लेखा जोखा देखते हुए कहना है अगर मैं बात करूं तो उमेश यादव को फिर से कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 8 ओवर उन्होंने मात्र 30 रन दिए और बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। सर जडेजा की मैं बात करूं तो 10 ओवर में जितना मुझे याद है उन्होंने 35 रन दिए थे और एक विकेट लिया था। भुवनेश्वर कुमार ने 9 ओवर में फिर वही 18 रन दिए और एक विकेट ली। साथ ही साथ मैं बात करूं तो रविचंद्रन अश्विन बहुत अच्छे रहे, क्योंकि 10 ओवर में उन्होंने 48 रन दिए और 3 विकेट ली और बहुत ही अच्छी स्पिन गेंदबाजी उनकी रही। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी, ये इस मैच का एक हाईलाइट था कि उन्होंने 4 ओवर डाले और मात्र 17 रन दिए और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी, बहुत उनको देख के मज़ा आया था। और जो सबसे अच्छी गेंदबाजी इस मैच में करी वो करी हमारे जोशीले ईशांत सेंसेशनल शर्मा ने। जी हाँ मेरे दोस्तों, ईशांत सेंसेशनल शर्मा बहुत ही अच्छे अपना उन्होंने ये 9 ओवर में 33 रन दिए और 3 विकेट ली और श्रीलंका की जो कमर थी वो बिल्कुल तोड़ दी। श्रीलंका कभी मैच में वापस नहीं आ पाया, तो ठीक है कंडीशंस का साथ आपको मिला लेकिन आपने इतनी अच्छी गेंदबाजी करी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब यह है कि भारत को 182 रन का टारगेट था, चीज़ बस एक यही डरा थी कि श्रीलंका के पास एक अच्छी गेंदबाजी थी तो शुरुआत में संभल के खेलना है, और शुरुआत में श्रीलंका ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी। लेकिन फिर से एक बार हमारी ओपनिंग जोड़ी संघ की बहुत ही अच्छे 77 रन बनाए, शिखर धवन और रोहित शर्मा की बहुत ही अच्छी अपना ओपनिंग जोड़ी रही, जिसमें अपना यह कि रोहित शर्मा ने 50 बॉलों में 33 रन बनाए, 4 चौके लगाए। हाँ हालांकि वो फिर विकेट फेंक गए, फिर विराट कोहली आए, पहली बार उन्होंने चैंपियनशिप में अपना अच्छा जलवा दिखाया जो विराट कोहली का हमें दिखता था। 65 रन की अच्छी साझेदारी करी शिखर धवन के साथ, जो कि इस टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे, मैं बात करूँ तो 92 बॉलों
में 68 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 64 बॉलों में बहुत ही अच्छे 58 रन बनाई, जिसमें उनके 4 चौके थे, 1 छक्का था। और इन्हें अब ये एक अच्छी चीज़ हो गई थी कि विराट कोहली द विराट कोहली वाली फॉर्म में अपने आ गए थे, क्योंकि पहले से मैच में से रन उनके हर मैच में बने थे, ऐसा नहीं है कि पहले मैच में नहीं बने, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, लेकिन द विराट कोहली जो है उनकी इस मैच में फॉर्म दिखी और फाइनल में वही हमें मदद करने वाली थी। सुरेश रैना को महेंद्र सिंह धोनी ने ऊपर पर प्रमोट करा, उन्होंने अपना ये 4 बॉलों में 7 रन बनाए, 1 चौका लगाया और मात्र 35 ओवर में 182 रन हमने बना दिए, जो कि शायद लग रहा था मैच 40-42-45 ओवर तक भी जा सकता है, वो अपना ये उन्होंने 35 ओवर में समाप्त कर दिया। जरूर ये है कि मैथ्यूज और जीवन मेंडिस को एक एक विकेट मिली, लेकिन सारे श्रीलंकाई बॉलर, चाहे हम बात करें मलिंगा और कुलासेकरा, हिराथ, अंजिलो मैथ्यूज और हम बात करें तो जीवन मेंडिस, सभी धराशायी हो गए और श्रीलंका की ऐसी दुर्गति कभी ना हुई थी, क्योंकि वो श्रीलंका था जो पिछले 10-11 साल से बहुत सारी फाइनल्स खेला था, 2002 का हमारे सामने शेयर करी थी, 2007 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के सामने, 2009 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के सामने, 2010 में सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप, 2011 में हमारे सामने फाइनल कैसे हारा था वो, क्योंकि वो बुरा नहीं खेले थे वो, तो हम इतना अच्छा खेल गए तब हम उनसे जाके जीते। 2012 में उसके बाद अपने घर में भी फाइनल खेले वेस्ट इंडीज़ के सामने, तो ठीक है वो जीत नहीं रहे थे लेकिन फाइनल में कम से कम आ रहे थे, सेमीफाइनल में आ रहे थे, तो यहाँ पे भी सेमीफाइनल में, लेकिन ऐसी वन साइडेड हार उनकी कभी नहीं हुई, तो कहना होगा ऐसी दुर्दशा श्रीलंका की कभी ना हुई। इस मैच में एक और नए मैन ऑफ द मैच बने, जैसे पहले मैच में आपको याद होगा शिखर धवन थे, दूसरे मैच में रविंद्र जडेजा थे, तीसरे मैच में भुवनेश्वर कुमार थे, तो इस मैच में बनाए हमारे जो मैन ऑफ द मैच बने वो बने जोशीले ईशांत सेंसेशनल शर्मा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ओवर में 33 रन दिए और 3 विकेट ली, और कहीं अगले मैच भी उनका कैच ढाने वाला था। तो बात करेंगे अब कल अपना ये कि लास्ट मैच होगा हमारा जो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, और उसमें दोस्तों एक की बात नहीं होगी, उसमें बात होगी 1+1=11, क्योंकि नहीं हर मैच में आपको दिखा 1-2-3 हीरो दिखे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा मैच था जिसमें आपको हर बंदा हीरो बनते हुए दिखा होगा। तो बात करेंगे उसकी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी कल अपना भाग 5 के साथ, क्या होगा उसका नाम तभी बात करेंगे, तो अपना मजे लीजिए और अपना कल उस एपिसोड के हम बात करेंगे, और अपना ये है कि साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी तक 4 भाग है वो काफ़ी पसंद आए होंगे और 5वें भाग में मुझे और ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो मिलेंगे जल्दी, चक दे इंडिया।